रीवा जिले के जवा जनपद के बरेती कला के पूर्व सरपंच राघव दास कुशवाहा कल रात में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई पता सुराग नहीं लगा है। वहीं पूर्व सरपंच के परिजन उनके अपहरण की आशंका जता रहे हैं। परिजनों ने बताया कि पूर्व सरपंच कुछ कार्य से जवा गए हुए थे, उनके आने में रात हो गई और परिजनों ने संपर्क किया तो बताया कि मैं जवा से चल दिया हूँ। इसके घंटों बाद परिजनों ने संपर्क किया तो उनका संपर्क नहीं हुआ, तो रात में ही परिजन खोजने का प्रयास किए तो उनकी बाइक और हेलमेट और मोबाइल डगडैया के पास सड़क के किनारे पड़ा मिला है, जिस पर परिजनों ने जवा थाने में FIR दर्ज कराई है और कहा है कि शाम को पूर्व सरपंच से कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी, जिस पर जवा पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं जवा पुलिस इस मामले में लापता व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस को भी युवक के बारे में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ये सब आदमी लगाए हैं। जब आपसे गाड़ी गढ़वा गई साहब, आज ऐसे लौट आए हैं गढ़वा से पुलिस बल, वैसे 3 बजे, तो 3 बजे वो लड़का गढ़वा वाला जो संचित है, वो 3 बजे मोटरसाइकिल से एक आदमी को और बैठा के मटिहारे तरफ से एकदम इतना स्पीड से भागा है कि जैसे आपकी गाड़ी मतलब लुचकी तक आई होगी। इसके बाद वो निकला है घर से और बड़े स्पीड से हम लोग गोरू तक। आपका नाम? पिंकल कुशवाहा। क्या समस्या है जी? हमारे पिता श्री राघव दास कुशवाहा जी खुद भी सरपंच है, यही जवाब में नई दुकान लिए हैं, उसका काम करवाने आए थे और उनका रजनीश शुक्ला के साथ विवाद हो गया और थाने में FIR भी किए लेकिन उसकी कॉपी नहीं दिए और 2-3 घंटे बैठाए भी रहे, लेकिन शाम को जब वो घर नहीं पहुँचे 7:30 बजे मैंने कॉल किया कि आप कहाँ हो, बोले कि जवा से निकल रहा हूँ। मैंने उनका 1 घंटे वेट किया और 8:30 बजे उनको मैंने कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद बता रहा था। तब मैंने अपने गांव के एक दोस्त को बुलाया और बोला चलो देखते हैं, थोड़ा जवा तक चलना है, हमारे पिताजी अभी नहीं लौटे हैं। मैं जैसे ही घर से निकला तो डगडैया के पास हमारी गाड़ी रोड से साइड एक गड्ढे में पड़ी थी और हेलमेट और उधर ही झाड़ी में हमारा फ़ोन गिरा हुआ था। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, बोला कि सर हमारी गाड़ी यहाँ है लेकिन हमारे पिताजी यहाँ पे नहीं है। थाने में आया और पुलिस वालों के साथ मैं गया वहाँ पे, मौके पर उन्होंने गाड़ी को बाहर निकलवाया और साथ थाने लेकर आए और मेरे को 3:30 बजे तक हम बैठाए रहे और मेरे को एक गुमशुदा कॉपी दिए हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे प्रशासन से यही मांग है कि हमारे पिताजी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए हमारे पिताजी हमारे एक सहारा है, हमारी माता जी नहीं है और हमारे एक छोटे भाई एक छोटी बहन है और हम तीनों के सहारे एक वहीं हैं, तो हम यही चाहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनको ढूंढा जाए। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से देखिए हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, वो कल शाम से यहीं बोल रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं मिला है। सर ये जवाब में पूर्व सरपंच कुशवाहा जी हैं, इनका नीरज तिवारी से पैसे की लेन देन का कोई विवाद था, जिसमें नीरज तिवारी जी से इनका झगड़ा हुआ। उनकी सूचना पर जो है थाना जवाब में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शाम को वो घर नहीं पहुंचे थे तो इसके उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी और उनकी तलाश किया गया तो वो मिले नहीं। इस सूचना पर गुम इंसान कायम करके उनका पता लगाया जा रहा है। अब उनके मिलने पर ही पता चलेगा, यदि अपहरण होता है कोई ऐसा होता है कोई अनसम काल, इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी उनका पता लगाया जा रहा है, वो उनके मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या है।